नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। आज के समय में सीएम योगी आदित्यनाथ की तकलीफें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिस सीएम योगी के आदेश पर नेता सीधे नतमस्तक हो जाते हैं, वही नेता और वही साथी अब बगावत पर उतरने लगे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में जरा कमजोर क्या पड़ी, सीएम योगी की दशा ही बदल गई। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी 27 जुलाई को भाजपा अलकमान यानी कि मोदी शाह से दिल्ली में मिलकर अपनी तकलीफों की जानकारी देंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लंबे समय से योगी से टक्कर ले रहे हैं, लेकिन अब इसमें तेजी आ गई है। हाल ही में उनसे कई ओबीसी विधायकों ने मुलाकात की। योगी विरोधी माने जाने वाले मंत्री ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने हाल ही में मौर्य से मुलाकात की। संकेत ये है कि भाजपा के अंदर और भाजपा के सहयोगी पार्टी के ओबीसी नेता मौर्य के नेतृत्व में योगी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार। इन्हीं हालात में दो विधायकों का बयान महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, और वो बयान क्या है देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में भाजपा की आपसी लड़ाई अब सार्वजनिक हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भाजपा के विधायक बोलने की हिम्मत तक नहीं कर पाते थे, लेकिन अब वो खुलकर बोल रहे हैं। योगी को लेकर भाजपा में असंतोष बढ़ता जा रहा है। जी हां, चौरी चौरा के विधायक श्रवण कुमार निषाद ने अपनी सुरक्षा हटाने का आरोप योगी आदित्यनाथ सरकार पर लगाया है। विधायक निषाद बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे हैं। जूनियर निषाद ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट में लिखा, दो मौकों पर मुझे जान से मारने की धमकी मिलने के बाद भी मेरी सुरक्षा क्यों हटा ली गई। श्रवण निषाद ने एक प्रेस बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जेल में बंद किसी व्यक्ति से जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उन्हें पुलिस सुरक्षा आवंटित की गई थी, लेकिन प्रशासन ने मनमाने ढंग से उनके सुरक्षा गार्ड को हटा दिया। उन्होंने कहा, निषाद समुदाय के कई नेताओं की हत्या कर दी गई, चाहे वो जमुना निषाद हो, दर्जनों अन्य निषाद नेता हो, या हाल ही में बिहार में निषाद समुदाय के नेता मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो, इसके बावजूद सरकार और प्रशासन मेरी सुरक्षा हटा रही है और मनमाना रवैया अपना रही है। जिला प्रशासन मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। इतना ही नहीं, गोरखपुर जिले के एक और विधायक ने भी मोर्चा खोल रखा है। कैंपियरगंज से विधायक फतेह बहादुर सिंह ने आरोप लगाया है कि गोरखपुर पुलिस उन्हें जान से मारने की धमकी पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। सिंह ने आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उनकी हत्या की कथित साजिश की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने उनसे हस्तक्षेप की मांग की। यहां बताना जरूरी है कि गोरखपुर चूंकि सीएम का गृह जनपद है, तो पुलिस वहां पर दूसरे हिसाब से काम करती है। पूर्व मंत्री और 7 बार विधायक रहे फतेह बहादुर सिंह यूपी के पूर्व सीएम वीर बहादुर सिंह के बेटे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा एक भाजपा कार्यकर्ता जो भाजपा जिला पंचायत सदस्य का बेटा था, ने एक शूटर को उनकी हत्या की सुपारी देने के लिए 5 करोड़ रुपए एकत्रित किए थे। सिंह ने पुलिस पर उनकी हत्या की साजिश रचने के आरोपी व्यक्ति के साथ मिली भगत के कारण उनकी शिकायत पर कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जो लोग मेरे खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं जीतता रहूंगा। कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक हुई है कि कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। दोनों विधायकों के आरोप इसलिए गंभीर हैं क्योंकि दोनों मामले गोरखपुर से संबंधित हैं, जहां की पुलिस इस समय हाई अलर्ट पर रहती है। संयोग से गृह विभाग भी योगी आदित्यनाथ के पास है, यानी इन दोनों विधायकों के मामले में योगी के बतौर मंत्री और सीएम जवाबदेही बनती है, लेकिन उन्होंने इन आरोपों पर कोई सफाई नहीं दी है। सार्वजनिक रूप से अपनी असुरक्षा या अपने आरोपों की विश्वसनीयता के बारे में बात करने के पीछे दोनों विधायकों की मंशा जो भी हो, ये घटनाएं सीएम की छवि को कमजोर कर रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने खराब प्रदर्शन के बाद भाजपा आंतरिक मंथन है। ऐसे में दो विधायकों और प्रशासन से जुड़ा ताजा विवाद योगी की परेशानी बढ़ाने वाला ही है और कहा जाएगा। इसलिए जब केशव प्रसाद मौर्य ने संजय निषाद के साथ एक दिन पहले जो मीटिंग करके फोटो एक्स पर डाली थी, वो महत्वपूर्ण है और उसी से पता चलता है कि यूपी भाजपा में उठापटक तेज हो गई है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।